when we press this one and then we can check here or here to here. मतलब यहाँ से हमें इसका reference check करना है कितना जा रहा है. Okay. Okay then. तो ये जो हम आरपीएम क्या नाम स्पिंडल टूल सेट करते हैं तो ये फास्ट है, और ये जो है पोजीशन है जहाँ से हम ऑफसेट लेते हैं, जैसे हमारा जेट प्लस हो गया, इस तरीके से हो गया, और ये हमारा फास्ट है. ओके अभी दूसरे स्पिंडल को चेक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. ये जो सेटिंग है ये ओडी की सेटिंग है. ओडी के ऊपर आपने सेटिंग कैसे करनी है, कैसे टूल जाएगा, इस तरीके से. ओके ओके अगेन अगेन डू अगेन डू. देखो ये किस तरीके से जाएगा टूल, ऐसे और ऐसे ही कटिंग करेगा. ओके 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 देन डाउन. ओके ओके हियर. मतलब जो है आपकी टॉप की रीडिंग ये होगी और डाई की रीडिंग ये होगी. ओके बिहाइंड इज फास्ट. ओके ये जो आप सेटिंग देख रहे हो ये आपकी राइट हैंड साइड के जो स्पिंडल लगे हुए हैं ये उनकी सेटिंग है, और ये जो सेटिंग तुम देख रहे हो ये सेटिंग तुम्हारी ये जो ऊपर की तरफ स्पिंडल लगे हुए हैं उनकी है, और ये जो सेटिंग है तुम्हारी जो राइट की साइड में लगे हुए हैं लेफ्ट की साइड पे ये वो स्पिंडल इनकी सेटिंग है. व्हेन वी प्रेस दिस वन एंड then we can check here or here to here. मतलब यहाँ से हमें इसका reference check करना है कितना जा रहा है. Okay. Okay then. तो ये जो हम आरपीएम क्या नाम स्पिंडल टूल सेट करते हैं तो ये फास्ट है, और ये जो है पोजीशन है जहाँ से हम ऑफसेट लेते हैं, जैसे हमारा जेट प्लस हो गया, इस तरीके से हो गया, और ये हमारा फास्ट. ओके अभी दूसरे स्पिंडल को चेक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. ये जो सेटिंग है ये ओडी की सेटिंग है. ओडी के ऊपर आपने सेटिंग कैसे करनी है, कैसे टूल जाएगा, इस तरीके से. ओके ओके अगेन अगेन डू अगेन डू.
देखो ये किस तरीके से जाएगा टूल, ऐसे और ऐसे ही कटिंग करेगा। ओके 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 देन डाउन। ओके ओके हियर, मतलब जो है आपकी टॉप की रीडिंग ये होगी और डाई की रीडिंग ये होगी। ओके बिहाइंड इज फास्ट। ओके ये जो आप सेटिंग देख रहे हो ये आपकी राइट हैंड साइड के जो स्पिंडल लगे हुए हैं ये उनकी सेटिंग है, और ये जो सेटिंग तुम देख रहे हो ये सेटिंग तुम्हारी ये जो ऊपर की तरफ स्पिंडल लगे हुए हैं उनकी है, और ये जो सेटिंग है तुम्हारी जो राइट की साइड में लगे हुए हैं लेफ्ट की साइड पे ये वो स्पिंडल इनकी सेटिंग है। ये बता रहा है कि इसमें थ्रेड कैसे बनाते हैं। एमएम पिच जो है आपकी इसमें ये पिच कैसे डालनी है ये बता रहे हो। ओके ये पिच आपकी बनेगी। ओके 0.97 और 0.97 ये पिच डली हुई है। ठीक है ओके ओके टैपिंग स्पीड थ्रेड लेंथ एंड पोजीशन स्पीड उसके बाद आप टैपिंग के टूल पर जाओगे इस तरीके से ये काम करते हैं। इस तरीके से ये काम करेगा आपको। ये रोबोटिक है ऑन और ये ऑटोमेटिक मोड ऑफ है। इस तरीके से ये ट्रे है, ट्रे भी अपने हिसाब से काम करती है वर्क पीस उठाने के लिए। I press it, then this arm it can work. Can do please again say can do. इसने रोबोटिक ऑन ऑन कर दिया है, ग्रीन हो गया है वो। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट, ये देखो इस तरीके से काम हो गया, चालू हो गया रोबोटिक। ये क्लैम करेगा इसे, ये इसको क्लैम करा वापिस बाहर आया, ये घूमा प्रोग्राम चालू हो गया। इस तरीके से Thank you.
आप इधर लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से ये मशीन काम से बोलता है। इसको आप प्रेस करोगे, ये ऑयल पंप है, इसको प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इसमें क्लैम भी क्लैम कर सकते हैं। ये जो रेड रेड बटन जो है ये क्लैम डीक्लैम करने के लिए है। और सी और ग्रीन दिस दिस और ग्रीन बटन जो है रोटेशन के लिए है। ये रोटेशन के लिए है, ग्रीन बटन दबाओगे तो रोटेशन हो। और इस पेज पे जाकर आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक मोड ऑफ एंड रोबोटिक मोड ऑफ। मशीन की राइट हैंड साइड की पोजीशन है, इसमें ये फर्स्ट स्पिंडल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऊपर जो फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये पांचों को हम यहाँ मैनुअल में देखते हैं। ये जो मैनुअल है यहाँ पे सेटिंग, ये सेटिंग्स पर मेन स्क्रीन ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक मिनट, तो ये मैनुअल ऑपरेटर का बटन दबाएंगे तो इसमें एक्सिस सिलेक्शन लिखा हुआ है और वो पांचों यहाँ पे ये सर्वर ड्रिलिंग सर्वर टैपिंग एंड सर्वर ड्रिलिंग जो कि यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे आपको वो देखिए नीचे लगा हुआ, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे वो सामने दिया हुआ है और फिफ्थ नंबर पे ये टैपिंग कर रहे हैं। ऐसे तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ये सर्वो पुल ग्रूविंग, सर्वो ड्रिलिंग और सर्वो टैपिंग 6 7 8। ये जो है ना ऊपर लगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सर्वो ड्रिलिंग एंड सर्वो टैपिंग लास्ट में जो है वो यहाँ लगे। मशीन की राइट हैंड साइड की पोजीशन है, इसमें ये फर्स्ट स्पिंडल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऊपर जो फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये पांचों को हम यहाँ मैनुअल में देखते हैं। ये जो मैनुअल है यहाँ पे सेटिंग, ये सेटिंग्स पर मेन स्क्रीन ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक मिनट, तो ये मैनुअल ऑपरेटर का बटन दबाएंगे तो इसमें एक्सिस सिलेक्शन लिखा हुआ है और वो पांचों यहाँ पे ये सर्वो ड्रिलिंग सर्वो टैपिंग एंड सर्वो ड्रिलिंग जो कि यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे आपको वो देखिए नीचे लगा हुआ, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे,
फोर्थ नंबर पे वो सामने दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर पे ये टैपिंग कर रहा है। ऐसे तरीके से ये दिया हुआ है, ऐसे ये सर्वो पुल ग्रूविंग, सर्वो ड्रिलिंग और सर्वो टैपिंग 6 7 8, ये जो है ना ऊपर लगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सर्वो ड्रिलिंग एंड सर्वो टैपिंग लास्ट में जो है वो यहाँ लगे। This feeding here from this one, this sensor will be covered and then here it should be green, yeah green ho jayega. Then clamping, this is for this clamping, chuck clamping and tool box up. ये जो है आप ओके, ये जो है हेडलैंप, ये वाला जो हेडलैंप टूल डाउन, हेडलैंप टूल डाउन और ये फ्लैट हेड है, ये फ्लैट हेड को पकड़ने के लिए ये है। ओके द बॉल आउट, दिस फॉर बॉल को आउट करने के लिए, निकालने के लिए। मोटर ऑफ ऑन, ये जो इस फंक्शन इसके लिए सिंगल ऑफ जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन में बोर बनाने के लिए काम आती है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, इसका बोर करने के लिए आर पार स्मूथ। तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है ये। ओके, मोटर पॉजिटिव चालू करने के, टैप पोजीशन, टैप No.
जिस पोजीशन पे ये जल जाएगा उस पोजीशन पे इसको सेट कर देंगे। इस पर नो मटेरियल टेस्टिंग स्टॉक आ रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं। और इसको आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फीड ओपनिंग आ रहा है, मतलब ये जो है वर्क पीस पकड़ने के लिए है। और ये फ्लैट रैक अनेबल है। शो मी फ्लैट रैक। It's like this. 启用跟停用。Rotation. O N O F F. 啊，切换。我看一下，自动能不能做？切换哦，自动能做的话，我自动都给他看，他就知道了。关掉是吧？能关掉，把它清清。OK. So where this function here? Okay. If I flat it stop, then. Okay.चालू हो गए, जैसे वो वाइट वाइट करके चालू हो गए। इस फंक्शन में से जैसे हम चेक करें सिग्नल बन के लिए, और ये साइकिल ऑफ, साइकिल ऑपरेशन ऑफ, और कंटिन्यू मशीन चलेगा। अब अंत भी आप भी ये तो ठीक है। काम कर रही है मशीन। विच फंक्शन वी हैव स्टॉप, सिंगल सिंगल रन ऑफ एंड साइकिल ऑपरेशन ऑफ, कंटिन्यू रनिंग चल रही है मशीन। एंड फ्रॉम हियर ऑटोमेटिक फीड ओपनिंग, इसको हमने ऑन कर दिया, ये चल रही है पोजिशन पर, ये कंटिन्यू वर्क कर। ओके, साइकिल ऑफ कर दिया।这个灯亮了，它才能启动，自动运行。好的。You should connect it, then it will work.如果这个灯不亮，就是bright वाले बटन को प्रेस करूँगा, तो ही मेरा ये साइकिल का स्टार्ट काम।还有这个灯。